जय शंकर, हर महादेव, हर हर महादेव। चलो भाई घूम के जाओ। अगर यहाँ हाथ फिसला, हम तो ये वाला हर्डल क्रॉस करके आए हैं। दिखने में आसान लगते हैं पर ये है नहीं आसान इतने। श्रीखंड, मैं बार बार कह दूँ, ऐसी यात्रा है जब तक तुम वापस नहीं पहुँच जाओगे ना, यहाँ से शुरू की है, तब तक आप लोग अनसेफ हो। क्यों सोनू? राइट, क्यों मुक्की? बिल्कुल, हम देख लेंगे कहाँ से जाएंगे। तो एंड तक जब तक वापसी नहीं होती तब तक डेंजर बना रहेगा। चलो आप भी हमारे साथ चलें आगे के सफर को। भाई वहाँ से आ जा रहे हैं शॉर्टकट लेके, रास्ता ये भी है, ये वाला। भाई हमारे जा रहे हैं वहाँ से। ये वादी में पूरी धुंध आ चुकी है इस टाइम, मस्त माहौल, रास्ते की टेंशन है। चलो इतनी टेंशन भी नहीं रही है यार, हर हर महादेव। चलो फिर वो कुछ नहीं होता। ये वादी धुंध आ गई नहीं तो ब्यूटीफुल वैली थी। बारिश जब होती है तो और डेंजर हो जाता है, तब पानी मिट्टी सब साथ में, क्योंकि हम पहाड़ों की यात्रा कर रहे हैं यार। भाई हमारा क्रॉस करने की कोशिश करता हुआ, जयशंकर भाई चढ़ गया हमारा, वो जा रहे हैं। फ्लैगशिप चैनल, फ्लैगशिप चैनल, एक साथ लिखना, एक साथ लिखना, फ्लैगशिप चैनल। हफ्ते बाद वीडियोस आएंगी जब वापस जाऊंगा, ठीक है। चलो भाई गैंग हमारी नीचे पहुंच गई, हम भी अब नीचे उतरते हैं फटाफट। चलो भाई लोग पहुंच गए नीचे। मैं यहाँ अकेला रह के क्या करूँगा, ये झरने, ये नाले, ये बादल इन्हीं के बीच में रह जाऊँगा अकेला, और कोई नहीं। सोचो कभी आप लोग यहाँ पे अकेले, यहाँ पे पानी भी हर्डल क्रॉस। भाई धुंध बहुत है, क्या ब्लॉग बनाएंगे, वीडियो मतलब ब्लॉग अच्छा बन रहा है पर धुंध बहुत है, व्यूज़ नहीं दिखा पा रहा हूँ मैं ना आप लोगों को। भाई लोग हमारे पीछे जा रहे हैं, मैंने भी जाना है, माइक हमारा सही काम कर रहा है, मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं। चलो अच्छा आगे चलते हैं, ज़्यादा यार चलो इंदौर दूर है अभी, मेरे फ़ोन की स्टोरेज ख़त्म हो गई थी। ये ब्लॉग नहीं बन पा रहे हैं हर्षुल के कारण, क्योंकि अगर हर्षुल का फ़ोन ना होता ना, होल्ड, हर हर महादेव, जय बोले। अगर हर्षुल का फ़ोन ना होता ना तो गड़बड़ हो जाती, क्योंकि मेरे फ़ोन में तो स्टोरेज ही नहीं थी, स्टार्टिंग की दो तीन वीडियोस में ही सारा फ़ोन भर गया था। तो लग होता है सारा कुछ भाई, क्या क्या दिखाना है भोलेनाथ ने तुम्हें, वो सब कुछ होगा। ये देखो वन मोर झरना, पानी भरेंगे यहाँ पे हम। हिमचा की वैली है भाइयों, वो जा रहे भाई लोग हमारे साथ, वो दादा मुकेश, मुकेश ए मुकेश, पूरा हर्षुल, हाँ यही है हर्षुल। तो हर्षुल के फ़ोन में 60 GB डाटा मतलब स्टोरेज खाली थी, तो बस तो हम शाम को स्टोरेज सारा डाटा मैं उसके फ़ोन में शिफ्ट करता हूँ, और फिर अगले दिन फिर से नया व्लॉग बनाता हूँ। लो भाई गिर गया था मैं, फिर से शांति, ब्यूटीफुल शॉट। ये
ये व्यू जो मैंने अभी खींचा यहाँ पे, उस बादल ना पे ना तो मज़ा आ जाता। चलो जी, हर्डल नंबर टू क्रॉस्ड। दो हर्डल्स थी, दो बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ थी, क्रॉस कर ली हैं। अब एक नया झरना आएगा, वो मेन हर्डल था जो दो अभी क्रॉस किए, डेंजर होते हैं वो, क्योंकि स्टीप है, और जब रिटर्न आएंगे वापसी में तब भी बहुत हाइट होगी, उसकी स्टीप चढ़ना है। तो झरना नंबर टू आ गया। अब भाई लोग हमारे ये रे, लो जी चलो जी, फोटो सेशन कंप्लीट फिर से, और हर्डल नंबर थ्री ये आ गई है, सामने दिख रही होगी आपको, ये हर्डल नंबर थ्री। अब ये चढ़ रहे हैं जो सामने है, ये पूरा पहाड़ हमने वहाँ तक चढ़ना है और फिर एक उतराई आएगी, और ये झरना क्रॉस करना है। ये भी पहले ग्लेशियर होता था, पर मैंने आपको बताया है कि बर्फ़ इस पर इतनी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए ग्लेशियर क्या कहते नहीं होंगे। ये तो यहाँ पर भी जयशंकर की ग्लेशियर होता था, बहुत सुंदर ग्लेशियर था ये भी, पर अब बर्फ़ ही नहीं है इस बारी, क्योंकि खंड में भी बर्फ़ कम ही है। तो बस अब हम ये क्रॉस करेंगे अपना हर्डल, हर्डल तो नहीं है, मस्त। वो देखो मुकेश झरना क्रॉस कर रहा है, कैंट फोटोग्राफ क्लिक करते हैं इनकी। ब्यूटीफुल, बैठ जाते हैं भाई, लो भाई नज़ारे यार, भाई नज़ारे। डर टेंट डरना नहीं होता कभी जीवन में, कभी मत डरो, बस अपने जीवन में कर्म करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो, वो तुम्हें जीवन दिखाता रहेगा। ये वही इसी नदी में पानी जाएगा जाऊँ वाली में। यहाँ से हम आए, चलो भैया मैं भी ये क्रॉस करता हूँ, पूरा आशु, और आगे मिलते हैं, हर्डल नंबर थ्री क्रॉस करते हैं, बस मस्त, और क्या कहना, ठीक है। अच्छा भाई, हर्डल क्रॉस करते हैं फिर आगे अपना सफ़र को कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं आगे फिर। मैंने कर लिया मेरी बारी, ओ शॉर्ट्स भी ले लिए, लेट्स गो। अरे चलो भाई, एंगल सीधा हो गया, लो भाई हम झरने के नज़दीक पहुंच गए हैं। जय भोलेनाथ। गीले हो गए भाई, गीले हो गए, क्या करना है, चलो भाई ये झरना हम क्रॉस करते हैं और अगले हार्डल को हम बढ़ते हैं, ये झरना को हमें यहीं छोड़ना पड़ेगा, आगे चलते हैं, आगे और भी आएंगे। रुक जा, हार्डल देख लो कितना सुंदर है, ओह मैन, राइस खड़े मेरे दोस्त, ब्यूटीफुल, वो जा रहे सामने सारे, बस वो टेंट से उधर एक नया नज़ारा। तो बस अब हम भी ये हर्डल क्रॉस करते हैं, चलो चले हम भी, लोग आगे चढ़ पहुंच गए और मैं पीछे रह गया, लेट्स गो। Oof.
यात्रा में रश इस बार ज़्यादा दिखा। चलो मतलब ये बाकी यात्राओं से अभी तो पॉपुलर होने लगी है, रश बहुत बढ़ गया है। देखते हैं, मैं भी इस बारी कल खंड जा रहे हैं तो कल खंड में भी, क्योंकि छड़ी मैंने सुबह दिखाई थी, छड़ी के साथ ही जाएंगे हम बाबा जी के साथ, अब वो आए हैं तो खंड में भी लोग ज़्यादा ही रहेंगे। चलो भाई लेट्स गो। मस्त व्यू भाई, चलो चले। पार्वती बाग बहुत दूर है। झरने की आवाज, जय शंकर, जय शंकर भाई। वाम शंभो, वाम शंभो। चलो 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 चलते रहो। फुल ऑन आनंद भाई, अब हम यहाँ होल्ड करूँगा, मैं थोड़ा रुकूँगा। ये आए हम झरने क्रॉस करके, वो झरना हम क्रॉस कराए। ओ वहाँ से हम आए, यहाँ हमने जाना है। जैसा फ्रेम छोड़ के गया था वैसा ही मिला, कोई अपनी जगह से हिला तक नहीं। चलो अच्छा चलो लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। वो जाना है भाई टेंट के पास। तो ये हमने पहले का यात्रा हम करेंगे आराम से। ओ भाई तो ऑलमोस्ट हमने फिनिश कर दिया ये हर्डल, झरना बहुत दूर रह गया, ये क्रॉस्ड इट, और अब हम बस ये वादियों को घुमाते 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 उस पॉइंट पर, अभी हम वहीं हैं। सर पे ठंड लग रही थी तो कैप डालनी ज़रूरी थी। अमन और आशु कुछ बात कर रहे हैं, चलो लेट्स कैच देम और आगे बढ़ते हैं। टेंशन लेनी नहीं है, टेंशन लेनी नहीं भाई, हर हर महादेव। खंड, अभी तो खंड भी आना है, अभी तो पार्वती बाग आना है, अभी तो भीम द्वार आना है, अभी तो बहुत कुछ आना है। तो व्यूज़ मिलते रहेंगे, वीडियोस बनती रहेंगी, हम हैं तब तक सब कुछ होएगा, नहीं होंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, मस्त माहौल दिखाते हैं, लेट्स गो। लो भाई we crossed this valley, अब हम आगे जाएंगे मस्त। बादल फिर आ गए, मैं क्या तुम्हें दिखाऊँ कुछ, पर बादल फिर आ गए यार। चलो कोई ना, लेट्स गो आगे चलते हैं। चलो भैया रीच, अच्छा सब यहीं बैठे हैं, गैंग यहीं बैठी है सारी। सोनू क्या हुआ, ना टावर आ गई क्या? ये अगेन अमन हमेशा की तरह फ़ोन पे, वाटर ब्रेक भाई, भाई के टेंट भी लगे हैं यार। चलो हम भी पानी पी लें, अब हम भी पानी पियेंगे, पानी पीने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। टोपी लगा ली है क्योंकि ठंड ठंड लग रही है बहुत। चीयर्स।
बस वन सिप इज इनफ, क्योंकि बर्फ का पानी है भाई, गड़बड़ घोटाला हो सकता है। चलो छोड़ो, अमन को बात करने दो फोन पे, हम आगे चलते हैं। ओके, ये हर्डल क्रॉस, एक आगे से शॉट लेंगे इन लोगों का। ये हर्डल भी क्रॉस कर लिया, बस आगे टर्न आएगा और जहाँ तक मुझे पता है आई थिंक फिनिश्ड है सब कुछ। अब एक प्लेन रास्ता आएगा, फिर एक झरना आएगा, देखते हैं मुझे याद है रास्ता कि नहीं। अरे भाई पूरी वैली, ये रे हम। लाइफ को ज़्यादा सीरियस भी ना लिया करो, हर दिन खुल के जिया करो। ठीक है, जय शंकर, बाय, आगे मिलते हैं। तो भाई वैली में खड़े हैं भाई, हमारे रेस्ट चल रही है हमारी, कहाँ इस ब्यूटीफुल वैली के पास। समय आई थिंक 12 बज गए, दोपहर के 12, और हम तो ले रहे हैं नज़ारे भाई, वादियों में घूम रहे हैं, वैलियों में घूम रहे हैं। देखो फ्लावर्स, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स, ये वही सेम फ्लावर्स हैं। ओहो, मौसम साफ होता तो और मज़ा आता। बहुत फुटेज ली हमने इस वाली वैली की, अब नेक्स्ट की देखना, इससे भी अच्छी होगी। चलो जय शंकर की, आगे बढ़ते हैं। लो भाई वैली, क्या बात है, यहाँ से हिलने का दिल नहीं कर रहा हमारा, हम बहुत देर से यहीं बैठे हैं। बस बादल आ रहे हैं, मैं शॉट्स ले जा रहा हूँ अलग अलग, एक ये भी शॉट लिया आपके सामने पेश है जो आप देख रहे हो आप लोग। अभी नीचे मौसम खुल गया, ये वाले पहाड़ी एक बारी खुल जाएं तो उसके बाद तो फिर डिफरेंट नज़ारा आ जाएगा। बस थोड़ी देर से यहीं बैठे हैं भाई हम, चलो बाय। चलो भाई अब हम ये वैली छोड़ रहे हैं फिनिश्ड, और अब आगे वाली वैली की तरफ चल पड़े हैं। अब वो हमने छोड़ दी है भाई, लोग रेस्ट करते करते जा रहे हैं, टेंशन हमने कोई है नहीं, ना हमने लेनी है भाई, धूप हो बारिश हो हम यात्रा करेंगे। हाँ बीच में कोई हार मान ले, इसका दिल ना हो, वो डिफरेंस है। अब ये दिखाता हूँ हम कहाँ खड़े हैं इस टाइम, ये पहाड़ के बिल्कुल सेंटर में, ये रहा हिस्सा हमारा, ये रेतने से पैर, और ये रिखाई, ये रहा मैं, पीछे भी एक बहुत ऊंची ऊंचाई, ये बैठे सारे। और भाइयों हाय बोलो, कैसे हो तुम, कैसा लग रहा है मेरे भाई? लो भाई बॉयज आर बैक ऑन ट्रैक, फिर से चल पड़े हम सुंदर सी वादी में बैठ के, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके, सबने बिस्किट खाए ओरियो, अमन ने लेके दिए थे बिस्किट, ये बोलना था बोला था स्पेशल बोलने, अमन ने हमें बिस्किट खिलाए। बस टीम चल रही है, अब देखना व्यू, देखना भाई अब व्यू चेंज हो जाएगा, मौसम ख़राब है ना, अगर ये मौसम ख़राब ना होता, नीचे के नहीं दिखाने ना, ऊपर का व्यू दिखाना है। लेट्स गो लेट्स गो, ये देखो ये आ गया प्लेन रास्ता, अब ये प्लेन रास्ता चलेगा, मैं सही था, यही है रास्ता, अब प्लेन रास्ता चलेगा, फिर एक नीचे ढलान आएगी, एक झरना आएगा, फिर दिलीप का टेंट आ जाएगा भाई, फिर हम पहुंच जाएंगे दिलीप के टेंट पे, गैंग हमारी चल गई है,
वैसी ही वैली फिर से आ गई। सामने बिल्कुल ग्लेशियर के पहाड़ हैं भाई, और मौसम ही नहीं ठीक। ये देखो ना, ये ग्लेशियर दिख रहा है सामने, ये सारे ग्लेशियर्स के पहाड़ हैं सामने, पर धुंध है जिसके कारण ये दिख नहीं रहा है। और वादा रहा वापस रिटर्न में जब खंड से वापस आएंगे तो अगर धूप निकली तो फिर से कुंचा वैली को कवर किया जाएगा। और डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स वही वाले चले हुए हैं, अभी भी पूरी वैली फ्लावर्स से भरी हुई है ये पूरी वैली। ये उतराई हुआ रहे गए सारे लोग, एक और स्ट्रेच यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा करना है। चलो अब इसको पूरा करते हैं ना, फिर बढ़ते हैं आगे। ये देखो ग्लेशियर के पहाड़, हेलो चलो भाई चले नेक्स्ट हर्डल क्रॉस करने। मम्मी ये चलना है पूरा, ओ वहां तक वो रगे द्वीप के टेंट, आई एम राइट ऑलवेज, वहां द्वीप के टेंट है। तो भाई आज भी मुझे लग रहा है नहीं दिखा पाऊंगा भीमद्वार, क्योंकि वो रे दिलीप के टेंट सामने, और उसी के बाद जैसे ही एक एंगल आएगा वो भीमद्वार का ही एंगल है, और धुंध है तो भीमद्वार भी नहीं दिखेगा। आई एम रियली सॉरी। और हम दिलीप के पास थोड़ा बैठेंगे, मिलेंगे भाई से बहुत सालों बाद मिलेंगे, और फिर मौसम अगर खुला तो शॉर्ट्स लेंगे भीमद्वार पे। चलो चले दिलीप के पास, हम बहुत रुके हैं, हम हर साल दिलीप के पास रुकते हैं, दयाल के पास रुकते हैं, क्योंकि ये दो जगहें ऐसी है जहाँ पे मतलब हम, अगर मैं बात करूँ अपनी, हमारे जो खास लोग हैं, अगर यहाँ नहीं आए तो फिर हमारी यात्रा इनकम्प्लीट सी रहती है। घर जैसा माहौल है ना यहाँ पे हमारा। जय शंकर भैया, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। बंदे हमारे बहुत आगे पहुंच गए और मैं सबसे पीछे, पर यहाँ डरने की लोड़ नहीं इस वाले यहाँ कुंचा से, तो मैं डरता नहीं बिल्कुल, ये तो बहुत इजी लगता है मुझे। मतलब सांस की प्रॉब्लम की टेंशन है और कुछ नहीं, क्योंकि इस बार फील हो रही है मुझे बहुत, होती तो नहीं है क्योंकि पार्वती बाग हम पहुँच जाएंगे ना बहुत हाइट पर, आई थिंक सो, पता नहीं 17-18 के बीच में तो शायद होगी, तो वहाँ तक तो पहुँच ही जाएंगे हम, तो सांस की प्रॉब्लम आ सकती है, बस यही टेंशन है कि कुंचा मुझे टफ नहीं लगता, भीमद्वार भी इजी है मेरे लिए क्रॉस करना, पार्वती बाग भी इजी है, बस चढ़ाई है, बस पार्वती बाग के बाद है नैन सरोवर श्रीखंड कैलाश, जो आप कल देखोगे बहुत मज़ा आने वाला है। कल मौसम साफ़ हो जैसा भी हो, पर कल मज़ा बहुत आएगा, क्योंकि हम तो यहाँ पे प्रैक्टिकली 19,000 फीट को फील कर रहे होंगे ना, तो वो डिफरेंस तो आप में और मेरे में रहेगा। आप लोग भी आओ यहाँ पे, मस्त ट्रैक करो और इस फील का मज़ा लो भाई। रेस चल रही है क्योंकि क्रॉसिंग हो रही है यहाँ पे कुछ, आई डोंट नो, हाँ ओके लेडी है कोई, तो स्लो स्लो, बहुत लोग आते हैं भाई दूर दूर से, गुजरात से आते हैं, केरला से आते हैं, मुंबई से आते हैं, इट्स गुड, आओ और लोग आओ, मस्त, हर हर महादेव। चलो चलें अब आगे, इनको जाने देते हैं फिर। ओह बोरा दिलीप का टेंट, बोरा दिलीप का टेंट, मैं कह रहा था ना तुझे। जय शंकर भैया, चलो भाई चले अब। जय भोले भाइयों, लेट्स गो।
बंद कर दे इसे। मुकेश को डर लग रहा है कि मैं गिर जाऊंगा ब्लॉग बनाते बनाते। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। चलो भाई चलें। अच्छा तुम यहाँ से आए हो सारे? ओके होल्ड पॉज। यार सेट यार इतना अच्छा मोमेंट रिकॉर्ड होने से रह गया। मैं गिरा बहुत तगड़ा, मुक्की का डर सही निकला। स्टंट मार रहा था ना मैं। भाइयों ऐसा है, जो मैं बोलता हूँ सत्य बोलता हूँ। अभी मैं गिरा था बहुत तगड़ा पर बच गया। दांत टूटने थे तेरे, मुंह मुद्दे ऐसे आया था तू। चलो अच्छा चलो कुछ नहीं हुआ। कह तो रहा हूँ आराम से उसे बंद कर दे। चलो एक और झरना आया भाई। इस पर भी ग्लेशियर होता था पर इस बार बर्फ ही नहीं पड़ी तो ग्लेशियर्स भी पिघल चुके हैं, मतलब झरने रह गए हमारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे से। आज लोग हमारे वो बैठे हुए, आज वहाँ स्टोरियाँ चलेंगी देखना सुनाऊंगा तुम्हें स्टोरी। आज लोग हमारे वो बैठे जब हम दिलीप भाई के पास रहते थे तो हम यहाँ आते थे नहाने इस झरने में, हम ज़्यादा दिन रुकते थे ना हमेशा, 5-5 दिन रुके हुए हैं दिलीप भाई के पास। एक और हर्डल भाई, छोटी छोटी हर्डल बड़ी खतरनाक होती हैं। अब मेरे साथ हुआ ना हादसा भी, मैं तो बच गया। लेट्स गो। इतनी झरना क्रॉस करेगा हाँ चल क्रॉस करना क्रॉस।